एक नियम बनता है, कुछ समय के बाद उस नियम में बदलाव की जरूरत समझी जाती है। अगर ऐसा होता है तो क्या पुराने फैसलों को कटघरे में खड़ा किया जा सकता है? दिल्ली की एक विशेष अदालत ने पूर्व कोल सेक्रेटरी हरीश चंद्र गुप्ता समेत तीन ऑफिसर्स को दोषी ठहराया तो ब्यूरोक्रेसी में इस बात पर गंभीर बहस छिड़ गई कि आखिर कैसे ब्यूरोक्रेट्स राष्ट्र निर्माण के फैसले लेंगे। इसी मुद्दे पर हमारी सहयोगी अजिता जैन ने बात की सेंट्रल आईएएस एसोसिएशन के सेक्रेटरी संजय भूसरेड्डी से। केएसएसपीएल से जुड़े कोयला ब्लॉक आवंटन मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने तीन वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों को आपराधिक साजिश और भ्रष्टाचार निवारक अधिनियम के तहत 1,00,000 जुर्माने के साथ 2 साल की सजा सुनाई है। इस फैसले के बाद से ब्यूरोक्रेसी परेशान है, एक असमंजस की स्थिति खड़ी हो गई है। किस तरह का असमंजस है ये आइए जानते हैं वरिष्ठ आईएएस अधिकारी संजय भूसरेड्डी जी से, जो कि सेक्रेटरी हैं सेंट्रल आईएएस एसोसिएशन के। संजय जी बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। जिस दिन ये फैसला आया था उसके ठीक अगले दिन अखबारों में छपा, अमर उजाला हो द टेलीग्राफ हो, कि ब्यूरोक्रेसी इस फैसले से बेचैन है। किस तरह की बेचैनी है? बेचैनी इस बात की है कि ब्यूरोक्रेसी में एक ब्यूरोक्रेसी का एक तरीका होता कार्य करने का। सरकारी तंत्र में एक कार्य प्रणाली होती है और उसमें विभिन्न स्तर की पर विभिन्न जिम्मेदारियां दी जाती है और उनके कुछ अधिकार होते हैं, कुछ कर्तव्य होते हैं और कुछ दायित्व होते हैं। इसमें जो निकल के आया है और जो निर्णय हुआ है उसमें दो पहलू है। एक पहलू है कि आज कानून जो हमारे देश का है, जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, वो उसका सेक्शन 13(1)(d) एक पहलू है जो एक अभी फिलहाल हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन उसके तहत जो कन्विक्शन हुआ है उसमें प्रोसेस पे बहुत ज्यादा जोर दिया गया है। ब्यूरोक्रेसी में खास करके आप सीनियर ब्यूरोक्रेसी को, सीनियर सिविल सर्वेंट्स को इसलिए जिम्मेदारी देते हो और आप अपेक्षा करते हो कि विभाग में लीडरशिप देंगे और निर्णय करेंगे, खास करके विकास के कार्यों में या जनहित के कार्यों में। जब आप ऐसे कार्य करते हो तो आप प्रोसेस से ज्यादा रिजल्ट देखते हो और ऐसे वक्त में अगर रिजल्ट में अगर कोई तकनीकी खामियां हो जाती है या निर्णय गलत हो जाता है और ऐसी स्थिति में अगर कन्विक्शन होने लगेगा, अगर प्रशासनिक गलती है या उसमें कोई त्रुटि हो गई तो प्रशासनिक पहलू कानून के तहत, प्रशासनिक नियमों के तहत दंडित किया जा सकता, डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग जिसको कहते हैं, विभागीय कार्रवाई के तहत उन अधिकारियों को दंडित किया जा सकता था या उस पर विभागीय कार्रवाई करके उस पर निर्णय लिया जा सकता कि गलती हुई या नहीं हुई, हुई तो दंडित किया जा सकता। लेकिन अगर हर प्रशासनिक गलती के लिए अगर क्रिमिनल प्रोसीडिंग स्टार्ट कर दिया जाएगा, फौजदारी की मुकदमे दायर किए जाएंगे, तो ऐसी स्थिति में कोई भी अधिकारी किसी भी संवर्ग का, किसी भी सेवा का, वो फिर हिचकेगा निर्णय लेने में। और निर्णय न लेना बहुत आसान है, निर्णय लेकर निर्णय लेना और उसको आगे बढ़ाना, विकास की गति को आगे बढ़ाना, वो देश के हित में है। लेकिन अगर उसमें इस प्रकार के अड़चने आने लगेंगे तो लोग फिर अपने आप को बचाने के लिए फाइल को, जिसको बोलते हैं हेजिंग करना, कि सब कमेटी बना दी, इधर भेज दिया, जहां राय ले ली, तो उसमें समय बहुत ज्यादा लगेगा, तो इसमें आप देश के हित में वो नहीं होगा। गलती अगर होती है तो उसको सुधारा जा सकता, लेकिन आप अगर निर्णय ही नहीं लेते हो तो फिर उसमें दिक्कत होगा। तो आपको लगता है कि इस मैटर में डिपार्टमेंटल लेवल पर एक्शन होना चाहिए था, इंक्वायरी होती उस पर एक्शन होता, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं होनी चाहिए थी। आपको लगता है कि इससे पॉलिसी पैरालिसिस भी क्रिएट होगा कहीं ना कहीं? देखिए, ये तो पिछले जब से इस प्रकार के केसेस चलने लगे 2009-10 से, तो एक प्रकार से पॉलिसी पैरालिसिस की स्थिति आई गई है, क्योंकि आज हर अधिकारी, खास करके अगर हम रिटायरमेंट के आसपास है या मेरे प्रमोशन के आसपास हूँ, वरिष्ठ पद पे ज्वाइंट सेक्रेटरी बनने वाला हूँ, तो मैं कोई भी ऐसी फाइल नहीं करूंगा जिसमें मुझे अनावश्यक जवाब देना पड़ेगा। तो मैं फाइल करूंगा लेकिन उसको मैं अपने आप को हेज करना शुरू करूंगा, अपने आप को बचाने के लिए दूंगा। तो उसका तरीका क्या है? मैं कमिटीज बनाऊंगा, सब कमिटीज बनाऊंगा या मैं इंटर मिनिस्ट्रियल, तो उसमें क्या होगा? निर्णय में विलंब होगा, उसमें विकास प्रभावित होगा। ठीक है संजय भूसरेड्डी जी, मैं हरीशंकर गुप्ता जी के बारे में भी आपसे जानना चाहती हूँ, क्योंकि आप और वो सेम काडर के हैं, एक ही काडर से हैं, तो कैसी छवि हरीशंकर गुप्ता जी की रही है इस केस में, ब्यूरोक्रेटिक सर्कल्स में? दुर्भाग्य में इस केस में हरीशंकर गुप्ता जी के बारे में हर आदमी जानता है, हर आदमी उनको पहचानता है और उनका एक 35 साल का प्रशासनिक अपना कार्यशैली रही है, तो कोई भी ये तो नहीं उनके ऊपर उंगली उठा सकता है, उठाएगा कि न, कोर्ट ने भी इस बात पे नहीं कहा कि वह बेईमान है या बेईमानी की या पैसा लिया।
इसमें यही आश्चर्य है कि जब उन्होंने बेईमानी नहीं की तो फिर 120 भी कैसा बनता है, तो ये सब उसमें है। लेकिन अपेलेट कोर्ट हम लोगों का न्याय प्रणाली गाइडलाइंस फॉलो नहीं किया, हाँ, न्याय प्रणाली पे पूरा भरोसा है। वो कहीं ना कहीं मुझे आशा है कि इसमें लोगों को न्याय मिलेगा। और केएस क्रोफा जी और केसी समारिया जी के बारे में क्या कहेंगे? मैं बोलना चाहूंगा कि इसमें केएस क्रोफा जी एक बहुत ही उत्कृष्ट अधिकारी है, जैसे गुप्ता जी है, और समारिया जी भी बहुत उत्कृष्ट अधिकारी है। वो डायरेक्टर थे, अब जेएस है, और समारिया जी मुख्य सचिव है। तो ये तीनों के बारे में कहीं पर भी उनके संवर्ग में आप मेघालय में पूछ ले, या समारिया जी के काडर में पूछ ले, या यूपी में गुप्ता जी के बारे में पूछ ले, हर आदमी आपको बहुत साफ साफ उनके कार्यशैली के बारे में बताएगा। और प्रशासनिक सेवा में जो अधिकारी होते हैं और सिविल सर्वेंट जितने भी सीनियर होते हैं, उनके कार्डर में और पब्लिक को पता होता है वो कौन कैसा है। चूंकि आप सेक्रेटरी हैं सेंट्रल आईएएस एसोसिएशन के, तो किस तरह से जो एसोसिएशन है और आप हैं इस पूरे मामले को लेकर आगे रणनीति बना रहे हैं, क्या कुछ कर रहे हैं? देखिए, हम लोग पूरा स्टडी कर रहे हैं जो ऑर्डर्स आए हैं, और उसके बाद में हम लोगों का एक सिस्टम है एसोसिएशन में, उस पर चर्चा करेंगे। और उसके बाद में जिस प्रकार भी हम लोग इन अधिकारियों को का सहयोग कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं, और उस दिशा में फिर हम लोग कार्रवाई करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका संजय भूस रेड्डी जी, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया से बात करने बहुत, के बहुत, लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे संजय भूस रेड्डी जी, जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि इस तरह के फैसले कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेसी को प्रभावित करते हैं, और जो तमाम ऑफिसर्स हैं वो आने वाले दिनों में बड़े और सही फैसले लेने से डरेंगे। कैमरामैन अश्नील ठाकुर के साथ अजिता जैन, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।